हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित एंड आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर सॉल्यूशन का हमारा नेक्स्ट वीडियो आज का, जिसका टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इससे पहले कि आपने सारे वीडियोस आई होप देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। हमने जो प्रीवियस वीडियोस में हमारे रॉल्ड्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमने उसमें क्लियर कर ली थी। तो आज ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते कौन से हैं? ऐसे मिक्सचर्स या ऐसे सॉल्यूशंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। एक तरह से अगर इनकी डेफिनेशन में भी देखा जाए तो इनको एक तरह से कहा जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो हो लगभग कांस्टेंट होता है। वो कैसे होता है? सिंपल, जैसे कि मुझे एक मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर बनाने के लिए इसमें मल्टीपल कॉम्पोनेंट, मल्टीपल की बात हम यहाँ कर रहे हैं, सिर्फ बाइनरी की, बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं हम एक, ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब इसमें एक सॉल्यूट होगा और एक हमारा सॉल्वेंट होगा, ऐसा मिक्सचर हमने इसका बनाया। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अलग अलग है। लेकिन आफ्टर मिक्सिंग, जब ये मिक्सचर में बन जाएंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दोनों का लगभग क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का आफ्टर मिक्सिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया? एक ही निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा जी। अब कांस्टेंट है तो क्या आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हो? दूसरी खास बात इन सॉल्यूशन की ये भी है कि ये इनको हम सेपरेट आउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता था कि ऐसे मिक्सचर होता था जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता था, तो अलग अलग टेम्परेचर पे दोनों को हम सेपरेट आउट कर लिया करते थे, ठीक है। वो था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। लेकिन इनकी एक खास बात क्या है? नेवर बी सेपरेट आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इस मेथड के थ्रू इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। दो खास बात क्या हो गई, एक तो आफ्टर मिक्सिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा? कांस्टेंट। दूसरा, इनको हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, वो भी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से। थर्ड बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इनका जो कंपोजिशन होना चाहिए वो फिक्स होगा। कंपोजिशन फिक्स मीन्स इनका जो परसेंटेज है मिक्सिंग का कि कैसे बनेंगे वो फिक्स होना चाहिए। उस फिक्स कंपोजिशन के लिए ही फिक्स मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा हर सॉल्यूशन का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर वाटर और इथेनॉल का एग्जांपल ले लूँ तो इनका जो परसेंटेज होना चाहिए इस सॉल्यूशन के अंदर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब वो परसेंटेज या कंपोजिशन क्या है, कितना होता है, वो हम अभी बात करेंगे। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, वो चीज़ आपको समझ में आ गई, जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है और इन मिक्सचर्स को हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते और इनके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। और एक और खास बात इनके अंदर जो होती है, इनका जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में होगा और जो इनका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा दोनों बराबर होंगे। इट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट का लिक्विड फेज का जो मोल फ्रैक्शन है वो इनके वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, दोनों के लिए दोनों का मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में क्या होगा? इक्वल होगा। ये सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं और ऐसा मिक्सचर बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब ये जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, फटाफट से हम वो दोनों टाइप देख लेते हैं। अब इसके दो टाइप है हमारे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अब ये होते कौन कौन से हैं, इसके अंदर मैं एक एग्जांपल लेकर के हम चलते हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप जनरली आपके सारे के सारे जो आपने रॉल्स लॉ में पढ़ा था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला जो पार्ट था उसके अंदर आपने पढ़ा था, पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन, जो आपके पॉजिटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशन थे वो आपके सारे कहाँ रिजल्ट फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं आपके मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब कैसे, यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं।
यहाँ पर मैं इथेनॉल और वाटर का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। इथेनॉल हमने लिया 95% और 5% वाटर का मैंने मिक्सचर बना लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अगर मैं इथेनॉल का सॉरी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखूँ तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और मैं इथेनॉल का देखूँ तो 78.32 समथिंग ऐसे कुछ होता है, ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस होता है। अब इन दोनों को मैंने इस कॉम्पोजिशन में मिला करके इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, अब ये मिक्सचर बन गया। अब इस मिक्सचर को अगर मैं हीट करूँगा, हीट तो करना पड़ेगा ना भाई, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है हमें, तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब आफ्टर द मिक्सिंग, अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा, आप धीरे धीरे जब इसको बॉइल करेंगे तो पूरे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर निकल के आएगा वो निकल के आएगा अराउंड 78.1। अगर देखा जाए तो वो इथेनॉल के इस वाले टेम्परेचर, इस बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है और वाटर के इस बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया, इंडिविजुअली दोनों से कम। तो मिनिमम बॉइलिंग, समझ में आया कि दोनों से कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या हो गया हमारा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बन गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। और यहाँ पे जो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन देखेंगे वही उसके वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर दोनों बराबर आएंगे। अगर ये बराबर नहीं आते तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बराबर नहीं हो पाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप समझ में आ गया। ऐसे ही मैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इसके अंदर सारे हमारे नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का पार्ट आता है सारा, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड और वाटर का। नाइट्रिक एसिड यहाँ पे मैंने ले रहा हूँ 68% और वाटर का पार्ट ले रहा हूँ मैं 32%। दोनों को मिक्स करा, ठीक है। अगर आप नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो अराउंड 83 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, वाटर का अगेन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब आप इनका मिक्सचर इस कंपोजिशन में मिक्स करेंगे इसको, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है वो अराउंड 125 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आता है। तो देखा जाए तो दोनों से ही ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसी वजह से इसका नाम क्या आया है यहाँ पर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई, एक है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और एक है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अगर मैं देखूँ ग्राफ के बेसिस पे तो इसके अंदर हमने एक ऐसा ग्राफ देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में, ये भाई साहब दिखा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन और ये वाले भाई साहब दिखा रहे हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये हमारा एजियोट्रॉप का ग्राफ बन जाता है इस तरीके से, अगर आप देखें एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव डेविएशन वाला शो करने लग गया। तो नेगेटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले और पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, औरों की भी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उन वीडियोस, उन लेक्चर्स को भी आपको मिस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।